गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनिश व्लॉगर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आपको बैकग्राउंड वगैरह से पता ही चल रहा होगा मैं अपने घर आई हुई हूँ। देखो क्या लिखा है, सॉरी। हाँ तो आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये देखो मेरी बहन मेरे पैर में लगी हुई है ना, तो ये मेरी केयर कर रही है। चाय है, ये मिक्स पराठा है, और ये है वही का वो अखरोट और बादाम। ये मेरी चाय। अच्छी बनाती है बहन तू। ए पगली, देखना इधर। मैं नेक्स्ट डे व्लॉगिंग कर रही हूँ, उस दिन हो ही नहीं पाई थी। यहाँ पे मैं अपना सूट प्रेस कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ मेरा बेड भी सेट हो गया है और मैं नहाने जा रही हूँ। मेरा सूट भी प्रेस हो गया है। मैं नहा ली और मैं थोड़ी सी रेडी भी हो गई, नॉर्मल जैसे डेली होते हैं। और मैंने आज वियर किया है, दिखा ब्यूटीफुल सी कुर्ती। और मुझे तो लूज लूज ही ज़्यादा पसंद है। और नीचे मैंने इसके नीचे वाइट प्लाजो डाला है। जी हम खाना खा रहे हैं, मटर पनीर है, खीरे का रायता, ये मैं लस्सी, ये रायता ये पी रहे हैं, रोटी और गुलाब जामुन। जैसे हमारे घर में कैमरे लगे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने फिर अपने फ़ोन में से रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सेव करी थी। तो देख सकते हो आप मैं कैसे गिरी थी, देखना भाई। मुझे तो हंसी भी आती जब देखती हूँ, पर मुझे पता है कितनी तेज़ लगी थी। मुझसे उठा तक भी नहीं जा रहा था, मेरा पैर ऐसे हो गया था। नीचे से राधा आई, ऊपर वाले फ्लोर से जहाँ से मैं उतर रही थी, मेरी जिठानी आई, फिर वो दोनों मुझे वो ले गए, वरना मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। और देन उन्होंने इतनी मालिश वगैरह करी। फिर मेरे इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वो काम पे गए हुए थे। ना भैया थे कि कोई जेंट्स हो तो ले जाए हॉस्पिटल या कहीं भी। फिर मैंने अपने भाई को बोला था, तो वो मेडिसिन और स्प्रे वगैरह देकर गया था घर पर ही। ये देखो दीदी उतर के आ रही हैं, इन्होंने मुझे उठाया था। नीचे से भी राधा भी आ गई थी, तो उस साइड थी वो कैमरे में नहीं आ पाई ऊपर। गाइस अब मैं रेडी हो गई हूँ, अब हम जा रही हूँ मैं। एक्चुअली मेरे ना पैर में लग गई थी लास्ट संडे, आज मंडे है, तो ना उसी पे मेरा ना आराम नहीं है। तो मैं उसको फिर से दिखाने जा रही हूँ, दिखाती हूँ पैर। देखो ये स्वेलिंग आ रही है, ये नीला भी पड़ा हुआ है, तो यही मेरे लग गई है। ये लिगामेंट है ना, इसमें लगी है मेरे। मैंने एक पैर में फाइल पहनी है, एक में नहीं पहनी। देखो बिछुआ भी मैंने कल ही पहना है। तो मिलते हैं, आ गई हूँ घर। और देखो मैं, उसने ना ऐसे बांध दिया है 4 दिन के लिए और दवाई दी है, क्या करूँ। दर्द हो रहा था, ठीक कर रहा था। न्यू ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये मार्कर, ये डस्टर बच्चों के लिए लाई हूँ। आप सब कैसे हो? बच्चों को ना इसी पे करवा दिया करूँगी। 3-4 बच्चे सेम क्लास के हैं, 3-4 सेम क्लास के हैं, सबको टाइम बहुत लग जाता कॉपी में करवाने में देने में। और बताओ, मेरे पैर में काफी दर्द हो रहा है, उसने तो लगता है मुझे और दर्द कर दिया खींच खाच के पैर। ये देखो बच्चे मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये देखो मैं अपनी मम्मी बहन से बात कर रही हूँ। देखो हमारा न्यू बेड काफी अच्छा है। गाइस देखो यही तो होता है। अब देखो मैंने ट्यूशन की छुट्टी 5 बजे कर दी थी और अभी टाइम हो रहा है 8, नहीं कर पाती मैं व्लॉगिंग बीच बीच में, कोई बात नहीं। और ये देखो क्या कर रहे हैं फिलहाल, तो मैं बैठी हूँ, खाना बन रहा है, दाल चावल धोती मेरे खाने में, तो टेढ़ी मेढ़ी खा रही हूँ। और ये मेरे फोन वन प्लस का कवर लाना है। और ये मान इंसान नींद आ रही है, सो जाओ। आइसक्रीम खा लो, दिस इज माय फेवरेट फ्लेवर, चोको नाडो है ये तो, पर मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है। दो दो लाए मेरे लिए अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनिश व्लॉगर। तो कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे
और इनको देखो चाय पी रहे हैं। तो चलो गाइस आज का रूटीन देखते हैं। मैंने यहाँ बर्तन धो लिए, इसमें मेज बन रही है सब्जी, थोड़ी सी बनानी है बस मम्मी के लिए आलू की, और ये चाय का फ्राई पैन इसको भी धोना है, और अभी बनाएंगे रोटी गाय वगैरह के। और मेरा रूम पूरा फैल रहा है, अभी ठीक करना है। सब्जी इन लोगों की बन रही है, चाय भी बन रही है। हाँ देखो मेरी चाय बन रही है एक में, और ये वाली की सब्जी दिखाना, और इसमें कोरिएंडर डालेंगे, धनिया, आलू की सब्जी अच्छी लग रही देखने, और रोटी मेरा आटा भी लग गया है। एक सेकंड मेरा आटा दिखा, देखो आटा है ये, देखो शाम को बनाऊंगी राजमा चावल, और दो अगर चावल चाय पी रही है। देखो गाइस मैं ना लेट उठती हूँ तो आप लोग समझते होंगे, उठ तो मैं आज गई थी 11:30-11 बजे। मेरे फेवरेट बिस्कुट खाती हूँ, दूध रात को दूध के साथ दे। रोटी इनकी बन चुकी है, वैसे एक बची है, सेक देंगे अभी। हाँ रोटी बन गई गाइस, और अब मैं बर्तन करने हैं, फिर मैं नीचे जाऊँगी, आपको एक चीज़ दिखाऊँगी नीचे जाके। बर्तन बन गए इतने इनके बर्तन, और ये पूरे दिन लगे। मेरी बेडशीट पर चुकी है इतनी मुश्किल से, इसके ना गद्दे बहुत भारी हैं तो बिछती नहीं है। देखो मुझे बहुत प्यारा लगता है अपना बेड। बहुत मारूंगा बहुत, अल्ले ले ऐसे कर देगा खुद, शैतानी करता है शैतानी। देखो कितना खुश हो रहा है, आपको खिलौना है, खिलौना है उंगली हुई खा जा चाची, उंगली को काटी काटी कर ले, बहुत मारती है मेरे को। ए जी मुझसे एक पहेली पूछो आप, ऐसी क्या चीज होती है जो लड़कों के पास भी होती है और लड़कियों के पास भी होती है, लेकिन लड़के यूज करते हैं और लड़कियां यूज नहीं करती? दिमाग। देख लो भैया कल ये पता है, तुम कल उस इंस्टाग्राम पे देख रहे थे ना, तुमने सुन लिया था। गाइस इधर मेरे बन रहे हैं राजमा, इसमें प्याज भून रही है, ये रहा मैंने मसाले, टमाटर में मसाला डाल दिया, और ये रहा मेरा राजमा मैंने निकाल लिया उबाल के। बनाऊंगी चावल, और मैं ये सूखा से छील के रख लेती हूँ डिब्बी में, क्योंकि जब भी बनाऊँ ना फिर ईजी होता है। और बस रोटी राजमा चावल, मेरे राजमा चावल, ये कड़ी राधा लेकर गई है, और ये है चटनी, चटनी भी बनाई है मैंने, राजमा चावल भी और कड़ी भी टेस्ट करें। गाइस ये है संडे का डे, यहाँ इस दिन हम जो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ सब बच्चों की पार्टी थी, और मैं सुबह से कहीं कहीं काम से गई हुई थी, शाम को आई थी तो यहाँ बच्चे डांस वगैरह कर रहे थे, मैं आई थी तो चंदा ने बच्चे हैंडल कर लिए थे, और सब नए नए कपड़े पहन के आए थे। ये देखो मेरा क्यूट सा स्टूडेंट जो कि कल ही ये लोग ना कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो चला गया है, और ये देखो यहाँ पे बच्चे सब डांस कर रहे हैं, पार्टी का सामान भी आ चुका था खाने के लिए, और उसके बाद भी वहाँ पहले डांस वगैरह किया, फिर बच्चों ने खाया, फिर थोड़ा बहुत डांस किया, फिर केक कट किया, और फिर बच्चे अपने अपने घर गए। और नेक्स्ट कह रहे थे कि दीदी बहुत अच्छा लगा, सब ने अपने अपने गानों पे डांस किया था, और पार्टी में सिंगापुरी चाउमीन थी, चिल्ली पटेटो, मोमोज थे, समोसे थे, कोल्ड ड्रिंक थी, और केक। तो यहाँ सबको सर्व कर रहे थे, दे रहे थे, और मैं काफ़ी थकी हुई थी। और ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद एडिट हो रहा है, एक हफ्ते बाद, आज भी संडे ही है। यहाँ समोसे सर्व कर रहे थे, यहाँ पे बच्चों ने डांस वगैरह कर रहे। तो गाइस यहाँ पे बच्चों ने अपना गाना सेलेक्ट कर रखा था, उस पर डांस कर रहे थे, मुझे वॉइस एड इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि पीछे गाने चल रहे हैं तो कॉपीराइट आ जाएगा, और यहाँ स्टूडेंट थे जिन्होंने डांस किया, सबसे छोटे स्टूडेंट मेरे भाई हैं, ये मेरी
बहन जी हैं, इन्होंने वो वाले गाने पर डांस किया था, जिप्सी, हाँ हरियाणवी सॉन्ग है, इस पर डांस कर रही है। काफ़ी अच्छा करते हैं यहाँ सब लोग बोलते हैं। इसके बाद मैंने भी बच्चों के साथ डांस किया था, आपको आगे देखने को मिलेगा। और मैंने अकेले भी डांस किया था बच्चों की जिद पे कि दीदी करो करो करो। उन्होंने मेरी एक रील देखी होगी उस वाले सॉन्ग पे, कौन सा है वो, माची माची, तो उसी डांस उसी वाले गाने पे बोल रहे थे कि दीदी डांस करो, फिर मैंने उस पर करा था। आपको इससे जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस दे रही थी, देखो ये रही, इस पर मैंने करा था और बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, पता नहीं क्यों बच्चों के आगे मुझे इतनी शर्म आ रही थी। एक बार तो मैं रुक भी गई थी कि बस, पर बच्चों ने कहा नहीं दीदी डांस करो करो पूरे गाने पे, तो मैंने करा था। और मैं बहुत थकी हुई थी, मैं सुबह से कहीं गई थी, मैं बिल्कुल बच्चे आ गए थे उसके बाद में आई थी। फिर हमने पार्टी वगैरह की तैयारी करी, खाने वगैरह का सामान मंगवाया और यहाँ मैंने बच्चों के साथ डांस किया था। बच्चे भी कर रहे थे, बच्चे भी डांस कर रहे थे और ये दो मेरे छुटकू छुटकू से स्टूडेंट, इनको मैं खड़ा कर रही थी। और यहाँ पे फिर बच्चों ने, सब बच्चों ने मिलकर डांस किया, तो स्टूडेंट तो मेरे एबसेंट थे क्योंकि वो लोग गाँव गए हुए थे और अब से तो वो आने लग गए हैं। तो वे, और ये देखो मेरे को सबसे अच्छे बच्चे अपने दोनों लगते हैं, लगते तो सारे ही अच्छे हैं, स्टूडेंट तो सारे ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पे फिर इन मेरी बहन जी और हम लोगों ने सब ने मिल के डांस किया था। मेरी बहन जी को कोल्ड हो रहा था इसलिए इन्होंने वो कोल्ड और कफ, तो इसलिए इन्होंने मास्क लगा रखा था। और यहाँ पे देखो, देखो बच्चों को देख कितना इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चों ने तो खूब इन्जॉय करा, कह भी रहे थे दीदी बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे उस वाले गाने पर डांस हो रहा था, उस पर क्या बोलते हैं, बम बम बोल है, बच्चों का फेवरेट सॉन्ग था वो तो देखो। और जो चुटकू चुटकू से थे मैं उनको बता रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। सच में यार ये तो बहुत अच्छा दिन था, मुझे याद भी रहेगा हमेशा, बच्चे पढ़े या मैं पढ़ाऊँ या नहीं, याद हमेशा रहेगा। मैं इसको ब्लॉग भी डाल बनाया मैंने उस दिन जितना मुझसे बना उतना, और अगर वो वॉइस अगर मैं ऐड कर सकती तो बहुत अच्छा होता गाने की, अच्छा भी लगता, फिर आपको गाने के साथ ही परफॉर्मेंस सबकी देखने को मिलती। और इसके बाद हमने केक वगैरह कटिंग करी, एंड में काफ़ी टाइम हो गया था और पार्टी का टाइम था दो नहीं लास्ट था ढाई घंटे, पर ढाई घंटे से ऊपर हो गया था, रात भी हो रही थी। तो फिर 8:30 बजे मैंने बच्चों को घर पर भेज दिया था सब लोगों को, यहाँ पे हम सब लोग डांस कर रहे। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, वो भी गई थी केक वगैरह कट करके, और मैंने भी खाना वगैरह बनाया था घर पर नॉर्मल। उसके बाद अब देखो मैं इनको बता रही हूँ, यहाँ पे देखो बच्चे सारे मिलके केक कट कर रहे हैं देखो। और मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसे नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग आएगा क्योंकि वो मेरी एनिवर्सरी ब्लॉग होगा, तो इस सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पर बने रहना। बाय, लव यू।